गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एकेडमी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 1। एलएचएस लेना है, इन दोनों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस कोस थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ये तो पहले क्या ऊपर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस से प्लस कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा साइन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखो, इसको ओपन कर लो। किसको? इसको, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बचेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये वाला प्लस। इसको ओपन करेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन अपॉन क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो टर्म्स बची है वो ये बची है, टू अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब साइन थीटा को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या का वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो यहां, टू अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन की वैल्यू हो गई, माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना, माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो गया। वन टाइम इसको वापस लो, टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा, तो चेंज कर दो इसको, टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर क्या हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओपन कर दो इसको, ओपन करोगे टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, तो ये वाला ये प्रूव हो गया, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन का एलसीएम है। अब इनका एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों का एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई हो गया दोनों का, अब यहाँ माइनस वाला कैंसिल हो गया और प्लस वाला बचा, तो प्लस वाला साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये ऊपर था ही और प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम में ये प्लस वाला कट गया और ये वाला बच गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, तो साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसके इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है, ठीक है, ये साइन थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, इस कोस से ये टू वाला प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टू हो जाएगा वन हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक दफा साइन थीटा को चेंज करेंगे और सेकंड टाइम कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, तो साइन को कोस में चेंज किया तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का टू हो गया टू माइनस पर, नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कोस को साइन में चेंज करते हैं, तो कोस को साइन में चेंज करोगे बाहर माइनस है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये भी प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।